शिवपुरी जिले में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर रविवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर खूबत घाटी के पास निर्माणाधीन सड़क पर एक ट्रॉला के चालक ने आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे दौड़ रही बाइक पर पलट गया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर खूबत घाटी के पास हुए इस हादसे में करीब 1.5 घंटे तक बाइक सवार युवक मटर से भरे ट्रक के नीचे दबा रहा। सूचना पर मौके पर पहुंचे सतनवाड़ा थाना पुलिस ने क्रेन की सहायता से शव को ट्रक के नीचे से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की पहचान ग्वालियर निवासी गिरिराज जाटव के रूप में हुई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सतनवाड़ा थाना प्रभारी दिनेश नरवरिया ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की सहायता से ट्रक के नीचे दबे बाइक सवार युवक के शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की पहचान गिरिराज जाटव निवासी ग्वालियर के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। मर्ग कायम कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सर, ये मटर की गाड़ी जो अभी यहाँ कुवत घाटी के नीचे पलटी है, क्या पूरा मामला था? ये मटर की गाड़ी आगे जा रही थी, पीछे से एक सीमेंट की गाड़ी आ रही थी जी, तो उस गाड़ी ने इसको पीछे से टक्कर मार दी जी, जिससे ये गाड़ी नीचे पलट गई। एक बाइक वाला भी खड़ा था यहाँ पे, तो जी बाइक वाला इस गाड़ी के नीचे दब गया जी। तो सर, इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है? एक व्यक्ति के इंजर्ड हुआ है जी। और सर, ट्रक का जो चालक वगैरह था, जो क्लीनर वगैरह, उसको कुछ पता? चालक अलग तो नहीं है अभी, कोई भी नहीं। अच्छा, कोई पता नहीं पड़ा। ठीक है, थैंक यू।